अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार चालू करिए। बताएं सर, क्या मामला है, किस प्रकार की आप प्रेस वार्ता में क्या पक्ष रखना चाहते हैं? इंदौर से आए हम, बोरा समाज से, और धार रोड पे एक कॉलोनी काटी थी, बीएम हॉस्पिटलिटी के नाम से कंपनी है, उसने कॉलोनी काटी थी क्लासिक एवेन्यू। उसमें काफी बोरा समाज के लोगों ने प्लॉट खरीदे, 8 से 9 करोड़ रुपए इकट्ठा करके दिए। मैंने भी प्लाट लिया, हमारे भाई ने भी प्लाट लिया, और हमने दूसरों को प्लाट दिलवाए भी, हमारे परिचितों को, रिश्तेदारों को। उस कॉलोनी के अंदर पिछले 6-7 साल से कोई डेवलप नहीं हो रहा था और ना कोई काम हो रहा था। अब हमारे द्वारा कॉलोनी नजर पे जब दबाव बनाया गया कि भाई या तो रजिस्ट्री करो या फिर हमारे पैसे वापस दो, तो जब ये बात की गई तो कुछ टाइम तक तो टाला मटोल करते रहे। उसके बाद कॉलोनी नजर गुड्डू बजाज और योगेंद्र मंडावरा, दो नाम। जब काफ़ी प्रेशर बनाया गया, दबाव बन इधर आ गया, एक चेयर देना, काफ़ी दबाव बनाया गया, प्रेशर बनाया गया, तो बाद में नाम आया राजेश सोनकर जी का कि भाई हमने ये कॉलोनी जो है राजेश सोनकर जी, राजेश सोनकर जी जब नाम आया था उस वक्त वो जिला अध्यक्ष थे इंदौर बीजेपी के। अभी हाल फिलहाल तो शायद सोनकर से वो प्रत्याशी है बीजेपी के, उनका नाम आया कि भाई सारा निपटारा वो करेंगे, हमने उनको हैंड ओवर कर दिया। जब उनसे बात की गई मोबाइल पे, मोबाइल के द्वारा ही बात करी गई, फेस टू फेस तो कभी मुलाकात की नहीं उन्होंने। कुछ टाइम तक तो वो भी लॉलीपॉप देते रहे, यहाँ करवा रहे हैं, दे रहे हैं, और उनके साथ में उन्होंने दो व्यक्ति और संदीप अग्रवाल और एक नरेंद्र नीलेश करके नाम है, उन दोनों को जोड़ा उन्होंने। फिर कुछ टाइम तक तो बात अच्छे से करी, उसके बाद फिर उन्होंने जो राजनीतिक दबाव और अपना दबंगई दिखाना शुरू किया कि भैया जो बने कर लो, नहीं है पैसा, और आप जो करना हो करना, बोरा समाज के लोगों के लिए भी आप सब थोड़ा कुछ बोला करा उन्होंने मोबाइल। कितने प्लाट धारक थे उस कॉलोनी में? उसमें 140 प्लाट है। कितना समय हो गया इसका? बोरा समाज कितने थे टोटल? बोरा 140 पूरे बोरा समाज के हैं। कॉलोनी ओनली फॉर बोरा से 400 प्लाट है, उसमें से 140 लोगों ने प्लाट खरीदे। कितना समय हो गया इस बात को? इस बात को तकरीबन 5 से 6 साल हो गए। तो आप अब प्रेस वार्ता भैया, अब ऐसा है कि इंदौर के अंदर तो चुनाव लड़ नहीं रहे, वो लड़ रहे हैं सोनकर से, आपके क्षेत्र से लड़ रहे हैं। यहाँ के निवासियों को भी अवगत होना जरूरी है कि कैसा आदमी कौन चुनाव लड़ रहा है। कब से कानूनी हमारे पास सारे कागज है, हमने थाने से जी भाई साहब बताया। अभी आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किस मुद्दे को लेकर आज आपने? हम सभी इंदौर से आए हैं और इंदौर में रहते हैं, और धार रोड पे बोरा समाज के लिए कॉलोनी काटी गई थी क्लासिक एवेन्यू के नाम से, बीएम हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, उसके जो डायरेक्टर थे योगेंद्र मंडावरा और गुड्डू बजाज, जय कुमार बजाज, इन्होंने कॉलोनी काटी थी, और पिछले 6-7 साल से उस कॉलोनी में प्लाट नहीं मिल रहे और ना ही रजिस्ट्री हो रही और ना पैसा वापस कर रहे हैं। तो उसके अंदर पिछले 2 साल या 3 साल से आप समझ लीजिए कि इन्वॉल्वमेंट जो है भाजपा के जो जिला अध्यक्ष थे इंदौर के अंदर राजेश सोनकर जी, उनका इन्वॉल्वमेंट आया। तो अभी हमें पता चला था कि बीच में राजेश सोनकर जी सोनकर से प्रत्याशी हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ देवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। सोनकर कौन है और देवास प्रेस वार्ता हो रही है? देवास में इसलिए हो रही है कि साहब राजेश सोनकर जी सोनकर से प्रत्याशी हैं, इसीलिए हम यहाँ आए कि हमारी बात आगे पहुँचे और कुछ ना कुछ कार्रवाई हो। तो आपने प्लॉट किन से लिया था राजेश सोनकर? हमने बीएम हॉस्पिटलिटी से लिया है, परंतु इसमें 2 साल पहले जब हमने बहुत ज़्यादा दबाव बनाया, पुलिस रिपोर्ट करी, कलेक्टर में आवेदन दिया, तो बीएम हॉस्पिटल वालों ने, बजाज और मंडावरा ने राजेश सोनकर जी को इन्वॉल्व कर दिया। अब वो उनके द्वारा ये कहा जाता है कि जो भी निपटारा करेंगे राजेश सोनकर जी करेंगे। ये निपटारा जो शब्द आपने इस्तेमाल किया तो ये किस निपटारा इसलिए इस्तेमाल किया है कि निपटारा हमारी 2 डिमांड थी, या तो हमारी रजिस्ट्री की जाए या हमारा पैसा वापस किया जाए। कितने लोग हैं ऐसे जिनकी रजिस्ट्री बाकी है? 120 के करीब प्लॉट। राजेश सोनकर जी से बात हो रही थी काफी टाइम से, हमारे साथ में हमारे मित्र, उन्होंने भी फोन लगा के बात करी। जी हाँ बिल्कुल है। क्या कह रहे हैं वो? ऑडियो में क्या कह रहे हैं? ऑडियो में पहले तो कुछ सालों तक तो वो बहुत अच्छी बात चलती रही कि हाँ भाई हम आपका पेमेंट करवा रहे हैं, आज 1 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा फिर दबाव बनाया गया और पेमेंट किया तो व्यवस्था नहीं होगी उनके पास, तो फिर उन्होंने जो है कुछ दबंगई टाइप जो भाषा इस्तेमाल करना शुरू करी। आप क्या चाहते हैं? प्लॉट चाहते? अब शब्द इस्तेमाल किए उन्होंने। किसने किए? राजेश सोनकर जी ने। आपको प्लॉट चाहिए कि पैसा चाहिए, क्या है आपका? जो भी निकालो, रास्ता निकले ना उसका, कुछ तो रास्ता निकले। पूर्व 2 साल पहले की आपकी शिकायत है जी, वही प्रश्न वापस पूछूंगा, और आप जबकि चुनाव में 15 से 17 दिन बाकी है, आप देवास की तरफ मुंह किया क्योंकि यहाँ सोनकर सीट से भाजपा के बिल्कुल है, तो ऐसी मतलब 2 साल पहले से कोई अभी तक आपकी कोई चर्चा उनसे नहीं हो पाई? अभी तक समय नहीं मिला बीच में, और चर्चा के लिए हम बात करते थे उनसे, उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया, बात करना बंद कर दिया, कॉलोनी नजर ने फोन उठाना बंद कर दिया, अंडरग्राउंड हो गया, बाहर आता ही नहीं, बात नहीं करता।
अब जब यहाँ सोनकर से प्रत्याशी है तो हम भी चाहेंगे ना कि हम जिस तरह थगाए हैं, हम जिस तरह बेवकूफ़ बने, सोनकर या देवास या किसी आसपास के इलाके अंदर इस तरह की कोई घटना हो तो कोई आदमी दूसरा व्यक्ति बेवकूफ़ ना बने। मेरा नाम अजीज साइकिल वाला, इंदौर। भैया सोनकर प्रत्याशी पे बोरा समाज किसी व्यक्ति द्वारा आरोप लगा गए और कुछ कॉलोनी जाकर प्लाट का लेकर मामला है तकरीबन 9 करोड़ का, क्या कहना है आपका? मेरा तो कहना है कि आपके माध्यम से मुझे अभी सारे दस्तावेज और इस प्रकार की बातचीत का पता चला है और मुझे ऐसा लगता है कि चुनावी षड्यंत्र का हिस्सा है। और चूंकि सज्जन वर्मा की हालत पतली है सोनकच्छ विधानसभा में, तो इस प्रकार के इंदौर के लोगों को लाकर और इस प्रकार की बातचीत कराना और इस प्रकार के निष्पक्ष व्यक्ति के खिलाफ एक षड्यंत्र पैदा करके समाज को गुमराह करना, इस प्रकार का काम निरंतर चल रहा है। और बोरा समाज के व्यक्ति ने अगर इस प्रकार की शिकायत की है तो न तो कोई स्पष्ट उनने दस्तावेज प्रस्तुत किए, न स्पष्ट कोई इसमें मामला उन्हें बताया गया और न स्पष्ट कोई राजेश सोनकर का इन सब बातों में इन्वॉल्व है। अगर इस प्रकार की कोई बात उनके पास प्रामाणिकता से तो वो प्रस्तुत करे कि किस प्रकार से उनकी संलिप्तता उसमें है। मुझे ऐसा लगता है कि कॉलोनाइजर से प्लाट खरीदे तो उनने खरीदे, रसीद प्राप्त की तो उनने प्राप्त की, जब इस प्रकार का कोई संशय उनने पैदा नहीं किया। लेकिन अगर किसी प्रकार का कोई व्यक्ति में कोई आपस में डिस्प्यूट आ जाता है तो डिस्प्यूट की प्रामाणिकता हो तो कोई आरोप प्रत्यारोप करे तो उसमें सिद्धता आती है। लेकिन इस प्रकार के चुनावी दौरान इन सब गुमराह करने वाली बातों को उठाना और उसकी बातचीत करना, मुझे लगता है कि सिर्फ ये चुनावी स्टंट है और चुनावी मुद्दा है। अजीत साइकिल वाला का ये कहना है कि वे पिछले 2 साल से जो है कालोनी नाइजरों के साथ संपर्क में था और उनके से जब सवाल संतुष्ट ना मिला तो उन्होंने कहा कि आगामी बात जो है आपको राजेश सोनकर जी से करनी है, उसको लेकर उन्होंने बताया कि कुछ मेरे पास साक्ष्य भी है, कुछ रिकॉर्डिंग भी है जब उनसे हमने बात की। इस पर रिकॉर्डिंग है तो प्रस्तुत करें ना कि राजेश सोनकर जी का किस प्रकार का इन्वॉल्वमेशन है, किस प्रकार का उसमें दृष्टिकोण है। चंदनगर थाने में शिकायत भी दर्ज की है उन्होंने, तो उसमें नामजद शिकायत अगर प्रस्तुत की है तो उसकी पुलिस जांच करेगी, उसकी सारी प्रामाणिकता निकालेगी। और दोषी प्रोफाइल सीखे सोनकर विधानसभा और आपके प्रत्याशी पे इस तरह के आरोप लगे तो इनको लेकर आप आगे कोई कार्रवाई करेंगे क्या? मैं तो एक बात कहता हूं कि मेरा प्रत्याशी निर्भीक व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है, बहुत संतुष्टिपूर्वक व्यक्ति है, सेवा करने वाला व्यक्ति है। और सामाजिक और राजनीतिक जीवन में आरोप प्रत्यारोप लगाना अलग बात होती है, पर उसका स्पष्टीकरण करते हुए प्रामाणिकता से आरोप देना अलग बात होती है। और ये सब कानूनी मसले हैं, अगर चंदन नगर थाना क्षेत्र में इस प्रकार का आवेदन दिया है तो उसकी पुलिस जांच भी कर रही होगी, उस पर कार्रवाई भी होगी। और निश्चित रूप से जब प्रामाणिकता के साथ कोई बात आती है तो उसकी बात करना चाहिए। और चुनावी जैसे माहौल में इस प्रकार की बेवजह और बेबुनियाद आरोप लगाना, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में एक योग्य प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और योग्य प्रत्याशी पूरी ताकत और मेहनत के साथ समाज में काम कर रहा है। निश्चित रूप से इस प्रकार का अगर ये आरोप लगाए तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है। चूंकि आपके भी सुप्रीम से बात हुई है कुछ? हाँ, निश्चित रूप से मुझे जब इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हुई तो उनसे मैंने फोन पे चर्चा भी की। उन्होंने कहा बिल्कुल राजू भैया, सो टंच किसी भी प्रकार का कोई अपनी बातचीत का दौर नहीं है और इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाना गलत है। चूंकि इसमें सामने वाले ने 1 लाख रुपए लिए और 1,000 की रसीद दी, जब क्या वो सो रहे थे, वो समय बात क्यों नहीं कर पाए, क्या उनका मैटर था? ये तो उन दोनों के दो व्यक्ति जो आपस में लेन देन कर रहे हैं ये उनका मसला है और उसमें राजनीतिक रूप से उसमें चीज़ों को जाना ये बिल्कुल सरासर गलत है। और मैं तो ये कहूंगा कि सिर्फ षड्यंत्र के कारण इस प्रकार की बात मतलब केवल 18 दिन जैसे ऐसे मामले सामने ना कहने के पार्टी की छवि को प्रत्याशी छवि नहीं 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 इसमें राजनीतिक षड्यंत्र है और षड्यंत्र कराना सज्जन वर्मा की खासियत है और सज्जन वर्मा इस प्रकार के षड्यंत्र करा के ही चुनाव जीतना चाहते हैं। जिस प्रकार से वो प्रलोभन दे रहे हैं, जिस प्रकार से पैसे बांट रहे हैं, जिस प्रकार से वो धार्मिक चोला ओढ़कर बैठे हुए हैं, जिस प्रकार से वो त्रिशूल प्रदीप मिश्रा जी का मंगवाकर नामांकन भरने की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनको बौखलाहट है, उनकी हार का उनको लग गया है कि प्रदीप मिश्रा जी का सहारा लेना पड़ेगा, हिंदुत्व का सहारा लेना पड़ेगा। और एक तरफ वो देवी देवताओं के गाली बकते और एक तरफ वो प्रदीप मिश्रा जी को ठेकेदार बताते और एक तरफ उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। चुनावी षड्यंत्र और चुनावी स्टंट में इस प्रकार की बातों का कोई स्थान नहीं है। केवल आप विपक्ष का षड्यंत्र मानते हैं? बिल्कुल, मैं इस विपक्ष का षड्यंत्र मानता हूँ।